माइकल की माँ के तीन बेटे हैं, ठीक है, एक का नाम अप्रैल है, एक का नाम है मई, तीसरे का नाम क्या होगा? मार्च, जून, नहीं जून, जून। अस्सलाम वालेकुम, की हाल चाल है? ठीक हो ना? आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज हम करेंगे कॉमन सेंस क्वेश्चंस डिफरेंट स्टूडेंट्स से, देखते हैं उनका क्या जवाब आते हैं, क्या रिएक्शन आते हैं, बहुत मजा आने वाला है। वीडियो शुरू करने से पहले ये जो लाल रंग का सब्सक्राइब बटन है इसको आप चिटा कर दें, और बगैर सब्सक्राइब के वीडियो देखने वाले जहन्नमी, 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 जहन्नमी। तो शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अली जवार। तैमूर। अच्छा तैमूर, कौन से डिपार्टमेंट और सेमेस्टर से हैं? मैं ये ICT के अंदर BBA सेकंड सेमेस्टर। मैथ्स कम्युनिकेशन थर्ड सेमेस्टर। ओके, अच्छा तैमूर आप मुझे बताएं जी कि ए बी का बाप है। ए बी का बाप है। बी का बाप है, सही है, लेकिन बी ए का बेटा नहीं है, क्यों? ए बी का बाप है, बी ए का बेटा क्यों नहीं है? हाँ, इसको समझना पड़ेगा हमें। ए बी का बाप है, मैं बताऊं और बी ए का बेटा नहीं है, क्यों? ए बी का बाप है। हाँ, ए बी का बाप है, हाँ, बी ए का बेटा नहीं है, क्यों? वजह इसकी, ए बी का बाप है, ए बी का बाप है। वो पता नहीं क्यों माँ नहीं है। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे। नो कमेंट्स। हाँ, नाजायज बाप है। ए बाप है। ए बाप है, हो गया। और बी बेटा क्यों नहीं है? ए बी का बाप है। ए बी का बाप है, हाँ, लेकिन बी ए का बेटा नहीं है, ये बेटी होगी। वाह, सही खेल गए बेंच, क्योंकि वो तो सवाल इतना बड़ा मुश्किल कर दिया तुमने, क्योंकि बी जो है ना वो बेटी है। वाह। मस्ती कर रहे हैं तो बाद आ जा, तू बड़ी राम मौत मना है। पर वो गिफ्ट हैंपर मेरा। अच्छा, गिफ्ट हैंपर आपको हम बाद में पकड़ाते हैं, समझ रहे हो, समझ रहे हो? ओके, आपसे एक और सवाल है जी, हुक्म करें। एक बंदा, अच्छा, गंज करवाता है 11 रुपए में, समझ आई? एक बंदा गंज करवाता है 11 रुपए में, तो 11 गंजे कितने रुपए में गंजे होंगे? 1 रुपए में। एक 111 रुपए में। एक बंदा गंज करवाता है 11 रुपए में, तो 11 बंदे कराएंगे तो 1 रुपए में। एक बंदा 11 में कराता है तो 11 क्यों, सेल थोड़ी लगी हुई है? मुझे फिर से सवाल बताएं अपना। एक बंदा गंज करवाता है, हाँ, 11 रुपए लगते हैं, ठीक है, सही है, तो 11 गंजे गंज करवाएंगे कितने रुपए लगेंगे? 11 रुपए ही लगेंगे। ओ भाई, मारो मुझे। एक बंदे के हो रहे हैं ना, तो 11 बंदों के कितने होंगे? 11 बंदों के बता जो रहा हूँ कि 111 रुपए। तू मेरा पुत्र छुट्टी का। एक गंजा जो है वो 11 रुपए में गंज कराते हैं, तो 11 जो करवाएंगे वो 121 होंगे। अरे प्यारी भाई, जवाब बहुत अच्छा दिया है। मैंने कहा एक गंजा, एक बंदा 11 रुपए में गंज करवाता है, तो 11 गंजे कितने रुपए में गंज करवाएंगे? बताया तो है 121 में। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। 121 में यार, चले आप ये देख ले क्या आप। चलो, मैंने बोला सुनो, एक बंदा 11 रुपए में गंज करवाता है, 11 गंजे कितने रुपए में गंज करवाएंगे? 1 रुपए। 11 गंजे कितने रुपए में गंज करवाएंगे? 110 रुपए। 11 में करवाएंगे कैसे? वो गंजे गंज क्यों करवाएंगे? आर यू कॉमेडी मी? तो 11 गंजे कितने रुपए में गंज कराएंगे? 11 गंजे कितने रुपए में गंज कराएंगे? 1 रुपए में भी नहीं कराएंगे, वो गंजे हैं। अच्छा, एक लास्ट सवाल आपके लिए जी। माइकल मॉम हैज 3 सन्स। माइकल मॉम हैज 3 सन्स। ओके, माइकल की माँ के 3 बेटे हैं, एक का नाम है अप्रैल, एक का नाम है मई,
तीसरे बेटे का नाम क्या होगा? फरवरी। मैं क्या बोला तूने? अप्रैल। मई। फरवरी। फरवरी कैसे? जैसे ही भी बस मुझे जैसे लग रहा है। चल चल चलो। माइकल की माँ के तीन बेटे हैं, ठीक है। एक का नाम अप्रैल है, एक का नाम है मई, तीसरे का नाम क्या होगा? मार्च। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? मार्च। नहीं, जून। जून। जून कैसे होगा? अप्रैल में जून जून आता है। मतलब वो तरतीब से कर रहे हैं इसलिए। माइकल मॉम हैज थ्री सन्स, एक का नाम है अप्रैल, एक का नाम है मई, तीसरे का नाम क्या होगा? दोबारा। माइकल मॉम हैज थ्री सन्स, तीन बच्चे हैं, एक का नाम अप्रैल है, एक का नाम मई है, तीसरे का नाम क्या होगा? वेरी गुड वेरी गुड, जीत गई भाई, जैनूर जीत गई। जब माइकल की माँ के तीन बेटे हैं तो माइकल कौन है? माइकल खुद बेटा है। एक का नाम है जी अप्रैल। अप्रैल। एक का नाम है मई। मई। तीसरे का नाम क्या होगा? फूल। नहीं, अप्रैल माइकल। क्योंकि माइकल की माँ के तीन बेटे हैं, अप्रैल मई। वाह विनर आप तैमूर, आपको हम इन पर जूम कीजिए। जूम जूम, ब्राइट करो ब्राइट करो इसे ब्राइट करो। तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। एक का नाम है अप्रैल, एक का नाम है मई, तीसरे का नाम क्या होगा? माइकल। क्या होगा? छोड़ इनको छोड़ो। तो ये थी जी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें लाजमी। और अगर आपको इस तरह का कंटेंट पसंद आया तो मुझे बताएं कि इंशाल्लाह फिर हम इस तरह का दोबारा बनाएंगे। तो मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।